मुश्किल से भाग जाना आसान नहीं होता, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान नहीं होता। डरने वालों को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। इसी के साथ मैं प्रभात प्रो मैथ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा का 7th पार्ट, जो कि 2018-2019 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि 2018 और 2019 में पूछे गए हैं, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें ट्रिक से मैं बताऊंगा, और फॉर्मूला पे तो काम तो हो ही रहा है। तो आप इनसे पहले ये 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप प्ले लिस्ट में वीडियो है वहां से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा वहां से भी देख सकते हैं, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करें। तो इसी के साथ चलिए क्वेश्चन का शुभारंभ किया जाए। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ax इज इक्वल टू ए प्लस 1 अपॉन ए एंड y इज इक्वल टू ए माइनस 1 अपॉन y ए, और इस पे देन रूट एक्स के पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 माइनस 2x² y² अब कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप देखिए, आप तो पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपके दिमाग में कुछ भी ना चल रहा हो, देखिए यहाँ पर कोई कंडीशन भी नहीं दिया हुआ कि ए को क्या लिया जाए क्या नहीं लिया जाए, एक्स को क्या लिया जाए, एक्स के लिए यहाँ पर पुट करने के लिए आप एक्स और वाई पुट कर सकते हैं यहां से, और आप पुट करने की कोशिश करें जैसे कि रूट एक्स के पावर 4 है तो यहाँ पे ए प्लस 1 अपॉन ए के पावर 4 ए ए माइनस 1 अपॉन पावर 4 माइनस 2 ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर और ए माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर। देखिए कितना लेंदी प्रोसेस के साथ ये काम हो रहा है इस पे। तो आप ऐसे ना करके आप थोड़ा सोचिए, सोचिए कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू लाना है, कुछ भी कर सकते हैं आप सोचिए जरा। तो मेरे वीडियो को पॉज कीजिए, अपने किताब को भी अपने ब्रेन को इस्तेमाल यूज में लाइए, और छोटे छोटे कदम ही एक बड़े कामयाबी की ओर ले जाता है। तो सेम कंसेप्ट यहां भी अप्लाई होता है कि आप सोचिए, एग्जाम में आप ऐसे करने बैठे तो आपको आपको सिलेक्शन से काफी दूर ढकेल देगा। जैसे एक एक क्रिकेट में जब आप खेलते हैं तो कैच या एक एक रन दो दो रन मिस करते हैं तो आप हार के करीब पहुंच जाते हैं, सेम उसी प्रकार एक एक क्वेश्चन सोची समझे हुए रणनीति ही अप्लाई इसमें काम आती है। तो आप सोचिए जरा इसमें, और मैं इसको बताता हूं, आपको ऐसे नहीं करना है, आप करने के लिए कर सकते हैं, खुश भी हो जाएंगे कि आंसर आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है, कंसेप्ट बिल्डअप थोड़ा सा मनोबल भी आपको बढ़ जाएगा कि हाँ चलो अच्छा डायरेक्शन पढ़ाई हो रहा है। लेकिन आप सोचिए कि आपके पास एक मिनट से भी कम, 45-30 सेकंड से भी कम टाइम होता है, तो अब देखिए आपके पास ए के लिए कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है, तो कंडीशन नहीं दिया है तो आप सोचिए कि ये कुछ भी मान सकते हैं, ए को जीरो नहीं मान सकते हैं, बाकी सब कुछ मान सकते हैं। तो देखिए ए को वन ले लेते हैं, ए को वन, ए इज इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू टू और वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ पे वन वन पुट कीजिए जीरो हो जाएगा, वन वन टू वन और वन टू यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पुट कीजिए रूट एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई जीरो है, वाई जीरो है, बचा कितना, देखिए 4 टाइम्स 2 होगा और रूट में है तो रूट से दो दो ही बाहर निकलेगा तो 4 आंसर। ऐसे आंसर आप एग्जाम में कर, अगर आप अप्रोच लगाते हैं तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं तो आप लेंदी प्रोसेस के साथ आप काम करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोग किसी के लिए भी, मेरे लिए भी, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे लिए नहीं होगा,
सब दिमाग का परजोर सब माइंड का खेल होता है एग्जाम में। कभी कभी लोग कहते हैं कि बहुत ही शॉर्ट 2-3 मंथ में एग्जाम है, परजोर सब माइंड का खेल है, और किसी को 2-3 साल भी लग जाता है एग्जाम क्रैक करने में। तो परजोर सब माइंड का खेल है, किसका माइंड कितना एक्टिव है। तो हालांकि मेहनत ही काम आता है, आप कितना ही ब्रिलियंट रहे उससे कोई फायदा होगा होने जाने का नहीं है। मेहनत मेहनती जो होता है वो निरंतर लगातार कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस देता है, और जो अपने आप को विद्वान समझते हैं वो कभी पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे वो सिलेक्शन से काफी दूर चले जाते हैं। तो जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 27 और x ग्रेटर देन वाई बताना है। यहाँ पे x क्यू है और माइनस वाई क्यू। तो आप अगर आप कुछ इस प्रकार इसमें अपने दिमाग को अप्लाई करते हैं कि सोच पा रहे हैं कि क्या ऐड किया जाए दो डिजिट कि 12 हो जाए और उसी डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो 27 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 9 ले लीजिए और प्लस 3 9 इंटू 3 आ गया। अब यहाँ पे इजिली पुट कर सकते हैं 9 की पावर 3 और y की जगह पे 3 और रूट में नहीं है तो रूट में नहीं है तो इसका आप लोग जानते ही हैं 279 माइनस 27 2072 आंसर। आप लोग ये 18-19 का क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए और देखने में कितना लगता होगा कि फास्ट है हो नहीं पाएगा, लेकिन ये हो जाता है और ऐसे ही एग्जामिनर सेट करते हैं। जैसे कि इसी में देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 27। अब देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने कल बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे ए बी बी सी प्लस सी ए ये आया। तो यहां से आप देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे इस पे इस वाले पे ये पुट कर देंगे, इस पे ये पुट कर देंगे और ये निकालना है। तो इसके निकालने के लिए क्या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आएगा ए बी प्लस बी सी यहाँ प्लस सी ए, यहां से आप ये निकाल सकते हैं और यहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां से आपको ये मिल जाएगा, यहाँ भी ए बी सी हाँ ये मिल जाएगा और आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता है क्या कि डिजिट को उस ढंग से सेट किया जाता है, आप बेसिक से भी कर सकते हैं, जब कभी आपको कुछ नजर नहीं आए कोई सोल्यूशन नहीं दिखे तो आप बेसिक से जा सकते हैं डेफिट होके। लेकिन जब आपके पास थोड़ा सा प्रेजेंट से माइंड काम कर रहा है आज के मतलब जिस दिन आप एग्जाम में बैठे हैं और लगता है कि अब तो लेना ही लेना है सिलेक्शन, तो आप थोड़ा सा दिमाग को घुमाते हुए आप ये डिजिट देखिए कितना छोटा है, आप सोच सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको सोचिए कि 2 कैसे ला दें, ए प्लस बी प्लस सी को इक्वल टू में 2 ला देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप सोचिए जरा, जैसे 1, 3 की पावर और 4 की पावर यहां से आप सोच सकते हैं 1, 9 और 16 इसको ऐड करने पे इतना आ जा रहा है, तो 1, 3 और 4 तो किसको आप इसको इसको ऐड कीजिए इसको माइनस कर दीजिए यहाँ पे 4, 1 माइनस 3 तो देखिए यहाँ पे 5 माइनस 3 2 आ गया और यहीं से आंसर आपका क्लियर होगा। आप देखिए यहाँ पुट कर दीजिए, इसे पुट कर दीजिए ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ABC। हमने क्या क्या निकाला है, ए की जगह पे है 1, बी की जगह माइनस 3 है तो माइनस 3 तो माइनस में ही आता है 27 और सी की जगह 4 है तो 64 यहाँ पर माइनस 1 इंटू माइनस 3 इंटू 4
अब देखिए करके देखिए आप इसको 65 में से 27 गया तो 27 38 माइनस और माइनस माइनस प्लस 12 9 और 4 36 74 आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार बेसिक से भी करके देखें अपने घर पे और यहां भी कर सकते हैं। दोनों आप अपने कॉपी में नोट करें कि ये क्वेश्चन जहां से भी जैसे भी हो आपको करना है तो करना है। एक बार फिर से दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक्स के पावर 4 6 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए आप इसको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए, एक्स के पावर 6 और इसको एक साथ लाइए, एक्स के पावर 6 5 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, आपके डिमांड देखिए, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, एक्स स्क्वायर 6 चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आप कर सकते हैं तो आपके लिए होमवर्क रहेगा और आप लोग, हालांकि यहाँ तो ऑप्शन में तो टिक मारा ही हुआ है तो यस नो में आप लोग बताइएगा, मैं कल बता दूंगा इसको। तो आप लोगों के लिए है, मैं बहुत बार बताया हूँ एक्स के पावर 5 एक्स के पावर 6, तो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। जो भी स्टूडेंट हमारे से, जो भी हमारे भाई बंधु पढ़ रहे हैं तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। हालांकि मुझसे मुझे मैसेज आता है कि मैं रेगुलर आपका वीडियो देखता हूं, तो प्लीज आप लोग करने की कोशिश करें और आप लोग यस नो में जवाब दें कि मुझसे हुआ है या नहीं हुआ है, तो मैं कल बताऊंगा। तो आप लोग लिए जरूर रहेगा ये। एक और क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार और बहुत ही धमाकेदार, सब के सब कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहां पे एक्स के पावर 3 6 एक्स पी प्लस पी क्यू। अब यहां पे एक्स के जब पुट कीजिए, यहां पुट कीजिए, यहां पुट कीजिए, पुट करते रहिए, पुटिंग हो जाएगा आपका और आंसर नहीं आने वाला है। तो आप कुछ तो सोचिए कि एग्जाम में क्या अप्रोच होना चाहिए। तो पी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, यहां पे पी को हम कुछ भी ले लेंगे, पी को हम 0 भी ले लेते हैं, चलिए 0 ले लिए। अब एक्स के एक्स इक्वल टू 2 आ गया, अब एक्स इक्वल टू 3 6, यहां पर 0 लिए थे, ये भी जीरो हवा खाने 8 आंसर, सेकेंडरी में आंसर। आपको महसूस होगा कि आपके पास, देखिए जब पी के बारे में कोई कंसेप्ट दिया ही नहीं गया, कोई ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया, जैसे कि कभी कभी देखता पी को 0 के बराबर नहीं लेना है, चाहे पी को 1 के बराबर नहीं लेना, चाहे कोई भी डिजिट के बारे में, किसी भी नंबर के बारे में 2, 3 के साथ नहीं लेना है, तो आप तब पी के बारे में सोच सकते हैं कि नहीं जाएगा तब। लेकिन जब पी के बारे में ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया रहा है तो आप ले सकते हैं, फ्री है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत में आप जी रहे हैं तो आप ले सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको मन है पी को 0 लेना है तो लीजिए, पी को 1 लेना है तो 1 लीजिए, 2 लेना है तो 2 लीजिए। कॉम्प्लिकेशन आपके साथ है, आपको जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाना है क्वेश्चन को बनाइए, लेकिन आंसर आएगा तो 8 ही आएगा, ये भी फिक्स है। तो एक और क्वेश्चन, और मैंने बताया भी है इस क्वेश्चन के बारे में, बार बार मैं बता रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगातार पूछा गया है 2019-18 के एग्जामों में। तो सबसे पहले यहां पे देखिए कोफिशियंट को आप 2 को अंदर डाल लीजिए, फिर 6a 2b 4c। देखिए यहां पे जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, तो 2 को और फिर ab को जो भी लिखना है लिख लीजिए, इसको इधर ले जाना है ले जाइए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको कोफिशियंट से मतलब है, सिर्फ एक लिए निकालना है, 6/9, साइन प्लस है तो प्लस ले लीजिए, माइनस तो माइनस, 2/3, बी के लिए 2/4, 1/2, सी के लिए
माइनस फोर अपॉन वन, माइनस फोर ही आएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, नाइन ए, नाइन ए इंटू टू अपॉन थ्री प्लस फोर वन अपॉन टू माइनस, तो माइनस है तो प्लस, और फोर अब देखिए थ्री सिक्स टू एट और प्लस फोर ट्वेल्व आंसर। आप अगर यह सोच रहे हैं कि हमको कोफिशियंट नहीं निकालना है तो आप निकालिए, जैसे कि यही मैं फिर बता देता हूं एक बार, नाइन ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप ये सोच रहे हैं कि चलो ट्वेल्व ए प्लस माइनस फोर बी माइनस एट सी इजक्वल प्लस ट्वेंटी वन इजक्वल टू जीरो। हम कुछ भी करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दें जहां से ए बी सी का वैल्यू निकाला जा सकता है, तो आप कीजिए, आपका टाइम किल होगा और अपने बर्बादी का खुद जीता जागता सबूत बनिए। तो फिर फेक्रो पर कीजिए आप लोग, और ये मेथड भी अप्लाई कीजिए आप लोग, एक बार इससे भी करें और एक बार इससे भी करें, तो कोफिशिएंट से भी करें, ये नहीं आंसर ये है, तो आप लोग करने की कोशिश करें। जैसे कि क्वेश्चन है एक्स एक्स के पावर टू माइनस थ्री एक्स माइनस वन, और यहां से देखिए आप यहां माइनस पावर वन है, एक्स के पावर वन टू एट एक्स माइनस वन, कुछ ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को ध्यान में लेके थ्री एक्स प्लस माइनस वन, अब इसको डिवाइड कीजिए बोथ साइड, एक्स स्क्वायर थ्री माइनस वन जीरो, वन माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री, यहां से ये हो गया। यार पता नहीं नाक खुजली गज मार रहा है बहुत, पता नहीं क्यों। तो यहां से देखिए आप लोग बोथ साइड ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए, एक्स स्क्वायर एट एक्स वन अपॉन एक्स, ये होगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको और इसको एक साथ लाइए, यहाँ पे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ट्वेल्व एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां से आपने सीखा कि देखिए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री है, तो इसके जगह पर थ्री डाल दीजिए, और यहां पे आपने सीखा है एक्स स्क्वायर निकालना, नाइन और माइनस है तो प्लस टू इलेवन, थ्री प्लस एट इलेवन, और नीचे नीचे जो निकाले हैं इलेवन कट के वन आंसर। तो आप उम्मीद करते हैं कि सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, और इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक फैलाएं, और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इसमें और फैक्ट्स आने वाली है, तो आप लोग मिस ना करें, बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय, और हैप्पी वैलेंटाइन डे।